गुड आफ्टरनून बच्चों। समांतर श्रेणी के अंतर्गत किसी समांतर के तीन क्रमांगत पदों को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 720 समांतर श्रेणी में तीन क्रमांगत संख्याएं होती हैं। a माइनस डी, a प्लस डी, ये तीन क्रमांगत संख्या हैं जिनका की योगफल 27 है। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 27, देन a इज इक्वल टू 27 अपॉन 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू आपकी आ गई 9। अब इन संख्याओं का गुणनफल कितना है? जो संख्याएं दी हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका गुणनफल है बराबर 720। ये हो जाएगा आपका a माइनस डी, a प्लस डी, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 720। a की वैल्यू रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान 9 रख देंगे, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a की वैल्यू 9 है इज इक्वल टू 720। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 माइनस डी स्क्वायर, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 720 अपॉन 9। ये आ जाएगा आपका 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 720 अपॉन 9। 9 से डिवाइड हो जाएगा 72, तो ये आ जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। डी स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 81 माइनस 80, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डी बराबर प्लस माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1। डी इज इक्वल टू 1 तब ए माइनस डी इज इक्वल टू 9 माइनस 1 बराबर 8। a इज इक्वल टू 9 a प्लस डी इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। d इज इक्वल टू माइनस 1 लेंगे तब
a minus d is equal to a minus d is equal to रहेगा 9 minus minus 1 is equal to 10. a is equal to 9 लेने पर a plus d is equal to 9 minus 1 बराबर 8. संख्या क्या हो जाएंगी तीनों 8, 9, 10. ये तीनों संख्या क्या आ गई 8, 9 और 10. यदि किसी हरात्मक श्रेणी के यदि किसी हरात्मक श्रेणी के हरात्मक श्रेणी का एम्बा पर एन है तथा एनवा पद एम है, एनवा पद एम है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका एम प्लस एनवा पद एम एन अपॉन एम प्लस एन होगा, एम एन अपॉन एम प्लस एन होगा. एम वा पद कितना है, एन है तथा एन वा पद एन. समांतर श्रेणी के हरात्मक श्रेणी का एम्बा पद एन है, तो समांतर श्रेणी का एम्बा पद हो जाएगा समांतर श्रेणी का एम्बा पद वन अपान एन हो जाएगा तथा एनवा पद वन अपान एम. समांतर श्रेणी में उल्टा हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी में एम वा पद एन है तो समांतर श्रेणी में क्या हो जाएगा वन अपॉन एन. टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला है. समांतर श्रेणी का एम वा पद कितना है वन अपॉन एन, वन अपॉन एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन. सूत्र है एम माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन फर्स्ट. एम वा पद वन अपॉन एन है समांतर श्रेणी में और एन वा पद कितना है वन अपॉन एम, वन अपॉन एम इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन सेकंड. और समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देंगे. वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ये से, क्या बचेगा एम डी माइनस डी माइनस एन डी प्लस डी.
प्लस डी, ये डी से डी कैंसिल हो गए, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एम एन आ गया, एम माइनस एन इज इक्वल टू टी कॉमन आ गए एम माइनस एन। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम माइनस एन अपॉन एम एन इंटू एम माइनस एन, ये माइनस एन कैंसिल होगा, टी का मान आ गया वन अपॉन एम एन, टी का मान आ गया वन अपॉन एम एन। डी का मान समीकरण एक में रख देंगे, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक दिया हुआ है वन अपॉन एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी की जगह लिख देंगे ए प्लस एम माइनस वन इंटू वन अपॉन एम एन, वन अपॉन एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन अपॉन एम एन, इस साइड ले आएंगे वन अपॉन एन माइनस एम माइनस वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए। एलसीएम आ जाएगा इसका एम अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम एन, एलसीएम आ जाएगा एम एन एन से एन कैंसिल एम माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू ए, एम से एम कट जाएगा, ए का मान आ जाएगा वन अपॉन एम एन, ए का मान भी वन अपॉन एम एन आ गया, डी का मान भी वन अपॉन एम एन आ गया। अब इसको किस कौन सा पद निकालना है, एम प्लस एन वा पद ज्ञात करना है। अब ए और डी का मान मालूम हो गया तो एम प्लस एन का पद का मान ज्ञात कर सकते हैं, एम प्लस एन वा पद हो जाएगा वन अपॉन एम एन, वन अपॉन एम एन टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन अपॉन एम एन, एम प्लस एन वा पद क्या होगा, टी एन बराबर वन अपॉन एम एन, वन अपॉन एम एन प्लस एम प्लस एन माइनस वन अपॉन एम एन। एलसीएम ले लेंगे, एम एन आ जाएगा एलसीएम इसका वन प्लस एम प्लस एन माइनस वन, वन से वन के कितना आ जाएगा, टी एन बराबर एम प्लस एन अपॉन एम एन, ये समांतर श्रेणी में आ गया तो अरात्मक श्रेणी में हो जाएगा, अरात्मक श्रेणी में जस्ट उल्टा हो जाएगा, एम प्लस एन वा पद क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन एम प्लस एन, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यही सिद्ध करना था। यदि ए और बी का हरात्मक माध्य, यदि ए और बी का हरात्मक माध्य एच कैपिटल एच है तो सिद्ध कीजिए एच
plus A upon H minus A plus H plus B small b upon H minus small b is equal to 2. A और B का ऋणात्मक माध्य H है. A और B का ऋणात्मक माध्य H है. तब H काय के बराबर होगा 2AB upon A plus B. जब A और B का ऋणात्मक माध्य H है तब H काय के बराबर होगा 2AB upon A plus B का. ये सूत्र है. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी. अब इसके बाद इसको इधर नीचे ले लो, h अपॉन a हो जाएगा. यहाँ क्या बचा, 2b अपॉन a प्लस b. a को नीचे ले लिया. अब योग अंतरानुपात नियम से आ जाएगा. यहाँ लिखेंगे योग अंतरानुपात नियम. एक बार जोड़ना एक बार घटाना. योग अंतरानुपात नियम का मतलब होता है एक जोड़ना और एक घटाना. अंतरानुपात नियम. ये हो जाएगा एच प्लस ए अपॉन एच माइनस ए इज इक्वल टू टू बी प्लस ए प्लस बी अपॉन टू बी माइनस ए माइनस बी. ये आ जाएगा आपका h प्लस a अपॉन h माइनस a इज इक्वल टू थ्री बी हो जाएगा. टू बी में से b जुड़ जाएगा तो थ्री बी हो गया. प्लस a अपन टू बी से बी माइनस कर देंगे तो बी बचेगा बी माइनस ए. ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन दो. अब पुनः समीकरण एक को ले लेंगे. पुनः समीकरण एक को एच बराबर टू ए बी अपॉन ए प्लस बी. अब इसमें बी को नीचे ले आएंगे, एच अपॉन बी हो जाएगा इज इक्वल टू टू ए अपॉन ए प्लस बी हो गया. ये योग अंतरानुपात नियम से इसको भी करेंगे. योग अंतरानुपात नियम से अंतरानुपात नियम से एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे. एच प्लस बी अपॉन एच माइनस बी इज इक्वल टू टू ए प्लस ए प्लस बी अपॉन टू ए माइनस ए माइनस बी. एच प्लस बी अपॉन एच माइनस बी इक्वल टू थ्री ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी. इक्वेशन थर्ड सिद्ध करना है. h प्लस ए अपॉन एच माइनस ए प्लस एच प्लस बी अपॉन एच माइनस बी इज इक्वल टू टू. राइट हैंड साइड को ऐड कर देंगे. h प्लस ए अपॉन एच माइनस इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड समीकरण दो और समीकरण तीन को जोड़ने पर h माइनस ए प्लस एच प्लस बी अपॉन एच माइनस बी इज इक्वल टू थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस थ्री ए प्लस बी अपॉन ए माइनस. एलसीएम ले लेंगे इसका. एलसीएम आ जाएगा बी माइनस ए थ्री बी प्लस ए
ए माइनस बी से बी माइनस वन को डिवाइड करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन का थ्री ए में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस थ्री ए माइनस बी। थ्री बी में से बी को सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा टू बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, टू कॉमन आ जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो आर एच एस कितना आ जाएगा आपका टू, ये सिद्ध हो गया। यदि a अपॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अपॉन b प्लस सी, b अपॉन c प्लस a और c अपॉन a प्लस b, ये समांतर श्रेणी में है, ये बाय में है, समांतर श्रेणी में है, a अपॉन b प्लस सी, b अपॉन c प्लस a एंड c अपॉन a प्लस b समांतर श्रेणी है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए b प्लस सी, c प्लस a, a प्लस b, a प्लस b हरात्मक श्रेणी में होंगे, ये सिद्ध करना है, हरात्मक श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी में तब a अपॉन b प्लस सी प्लस वन कॉमा b अपॉन c प्लस a प्लस वन कॉमा c अपॉन a प्लस b प्लस वन, ये काय में है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी होंगे। क्या हो जाएगा, a प्लस बी, एलसीएम ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी हो गया, सेकंड आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए अपॉन सी प्लस ए, सी प्लस ए कॉमा सी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ये समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। इसलिए वन अपॉन बी प्लस सी, इसलिए वन अपॉन बी प्लस सी, वन अपॉन सी प्लस ए और वन अपॉन ए प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगी हरात्मक श्रेणी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी काय में आ गई, ये हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी का जस्ट अपोजिट होती है हरात्मक श्रेणी, जस्ट उल्टा हरात्मक श्रेणी। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का श्रेणी का
यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद तीसरे पद का नौ गुना है, पांचवा पद तीसरे पद का नौ गुना है, श्रेणी का दूसरा पद छह है, श्रेणी का दूसरा पद छह है, श्रेणी ज्ञात कीजिए, श्रेणी ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने के लिए, गुणोत्तर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है टी एन बराबर ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब इसमें कौन सा पद है, पांचवा पद, एन कितना है पांच है, ए को प्रथम पद बोलते हैं और आर को सर्वानुपात, ए को प्रथम पद और आर को सर्वानुपात, सर्वानुपात। अब पांचवा पद मैंने T5 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 5 माइनस 1, तो आ जाएगा आपका T5 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 4, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब तीसरा पद कितना है, तीसरे पद का नौ गुना, तीसरा पद हो जाएगा आपका T3 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 3 माइनस 1, T3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए आर टू द पावर 2, इक्वेशन सेकंड। अब ये नौ गुना है इससे, ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9 इंटू ए आर स्क्वायर, नौ गुना है तीसरे पद का, ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9 ए आर स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर टू द पावर 4 अपॉन आर टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, आर का मान आ जाएगा 3। अब दूसरा पद 6 है, टी टू इज इक्वल टू 6, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 6 है, टी टू इज इक्वल टू 3 एंड टी टू इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 2 माइनस 1, ए आर टू द 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, ए आर इज इक्वल टू 6, आर की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन, थर्ड में ए इंटू आर की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6, ए इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, ए की वैल्यू आ जाएगी 2, ए का मान आ गया 2। अब आपकी श्रेणी बन जाएगी, ए कितना है 3 है, ए 2 है, आर कितना है 3 है, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब।
यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद पीवा क्यूवा और आरवा पद क्रमशः पीवा क्यूवा और आरवा पद क्रमशः ए बी तथा सी है, ए बी तथा सी तीनों पद दिए हैं, पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है और आरवा पद सी है, तो सिद्ध कीजिए a रेस टू द पावर q माइनस r इंटू b रेस टू द पावर r माइनस p इंटू c रेस टू द पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1। इसके इक्विवेलेंट सिद्ध करना है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद माना, कैपिटल ए मान लिया अपन ने और सर्वानुपात कैपिटल आर मान, एनवा पद गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद टी एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन, टी एन वा पद हो गया आपका ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन। अब पीवा पद श्रेणी का ये तो एनवा पद है, ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन, पीवा पद हो जाएगा टीपी इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पावर पी माइनस वन। दिया है अपने को टीपी इज इक्वल टू ए, ए आर रेस टू द पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू ए, दिया है टीपी इज इक्वल टू ए, तो ए आर रेस टू द पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू ए। ए आर रेस टू द पावर पी माइनस वन होल टू द पावर क्यू माइनस आर इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर क्यू माइनस आर। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पावरों का आपस में, ए रेस टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू आर रेस टू द पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर क्यू माइनस आर। ए रेस टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू मल्टीप्लीकेशन कर देंगे पावरों का, आर रेस टू द पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर क्यू माइनस आर।
the power q minus r into r raised to the power pq minus pr minus q plus r minus q plus r is equal to a raised to the power q minus r equation first. Then a raised to the power q upper is equal to a raised to the power tq is equal to tq is equal to a raised to the power इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आर रेस्ट टू द पावर क्यू माइनस वन क्यू अपर हो जाएगा टी क्यू इज इक्वल टू ए आर रेस्ट टू द पावर क्यू आर माइनस वन टी क्यू इज इक्वल टू बी ए आ जाएगा आपका बी इज इक्वल टू ए आर रेस्ट टू द पावर q minus 1 ar raised to the power q minus 1 bracket mein r minus p is equal to b raised to the power r minus p multiplication ho jayega power ho ka a raised to the power r minus p into r raised to the power q minus 1 into r minus p is equal to b raised to the power I r minus p power of a raised to the power r minus p into r capital r raised to the power q r minus p q minus r plus p is equal to b raised to the power r minus p ये इक्वेशन सेकंड आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड तीसरा पद क्या है टी आर इज इक्वल टू ए आर टी आर इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पावर आर माइनस वन पी क्यू आर तीसरा पद है आर टी आर इज इक्वल टू ए आर टू द पावर आर माइनस वन ए आर टू द पावर आर माइनस वन होल टू द पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी रेस टू द पावर पी माइनस क्यू ए रेस टू द पावर p minus q into r raised to the power r minus 1 into p minus q is equal to c raised to the power p minus q. समीकरण 1, 2 और 3 को ज्वाइन कर देंगे समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर आर टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू आर टू द पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर ए रेस टू द पावर आर माइनस पी
r raised to the power q r minus qp minus r plus p into a raised to the power p minus q into r raised to the power rp minus rq minus p plus q. A raised to the power q minus r plus r minus p plus p minus q into r raised to the power pq minus pr minus q plus r plus qr minus qp minus r plus p plus rp minus rq minus p plus q कैंसिल हो जाएंगे तो a रेस्ट टू द पावर 0 इनटू r रेस्ट टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. यदि यदि a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 102 210 321 तो सिद्ध कीजिए एडजॉइंट A adjoint A is equal to mod of A I. A is equal to दिया है आपको मैट्रिक्स में 1 0 2 2 1 0 3 2 1. A 11 हो जाएगा इसका मैट्रिक्स में अपन जब प्लस माइनस माइनस A 11 इज इक्वल टू 10 डिटरमिनेंट से करेंगे 1 0 2 1 इज इक्वल टू 1 - 0 इक्वल टू 1. A 12 हो जाएगा टू जीरो ये माइनस बार हो गया 2 0 3 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका माइनस 2 - 0 इज इक्वल टू -2. ए 13 इज इक्वल टू 2 1 3 1 निकाल लेंगे डिटरमिनेंट्स 2 - 3 इज इक्वल टू -1. A 11, A 12, A 13 आ गए. अब A 21, A 21, A 21 निकालने के लिए 2 1 0 - 0 2 2 1 इज इक्वल टू -0 - 4 is equal to 4. A 22 is equal to 1 2 3 1. 1 - 6 is equal to -5. A 23 1 2 3 1
माइनस में आ जाएगा ये 823 माइनस में 1032 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 2 831 02 10 0 माइनस 2 माइनस 2 831 माइनस 2 आ गया 832 माइनस में ले लेंगे 1220 माइनस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 4 833 1021 is equal to 1 minus 0 is equal to 1. Adjoint A is equal to A11, A12, A13, A21, 21, 31, A12, A22, A32. A13, A32, A33 मैट्रिक्स से ये फार्मूला एडजॉइंट है. एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5 और 4 1 माइनस 2 1 तो मॉड निकाल लेंगे. हम जानते हैं कि A मॉड इज इक्वल टू A11 plus A12 plus A13 mod A size equivalent होता है A11 A12 capital A12 A13 capital A. 1 into 1, A11, 1 into 1 plus 0 into minus 2 plus ये value दी है सबकी 2 into 1 is equal to 1 plus 2 is equal to 3 हो जाएगा. ये mod of A is equal to 3. A adjoint A into adjoint A is equal to one
1 0 2 2 1 0 3 2 1 into 1 4 minus 2 -2 -5 4 1 minus 2 1 A2 adjoint A is equal to 1 into 1 -0 into 2 + 2 into 1 2 into 1 -1 into 2 + 2 into 1 3 into 1 -2 into 2 + 2 into 1 + 1 into 1 1 into 1 second हो जाएगा 1 into 4 1 into 4 -5 into 0 0 -2 into 2 -2 into 2 2 into 4 -5 into 1 -0 into 2 3 into 4 3 into 4 -5 into 2 -2 into 1 फिर आ जाएगा आपका -1 into 2 -1 into 2 + 0 into 4 + 2 into 1 -2 into 2 + 4 into 1 + 0 into 1 0 into 1 -3 into 2 + 4 into 2 + 1 into 1 adjoint A, A into adjoint A is equal to 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 common factor आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 सिद्ध हो गया ये adjoint A adjoint A into adjoint A is equal to mod of A to I. सिद्ध कीजिए कि बिंदु
a minus a minus a minus a or minus a root 3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष में, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष में, समबाहु त्रिभुज है जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ये ए ए के हैं ए ए, बी के माइनस ए ए माइनस ए और सी के हैं ए रूट थ्री। अब ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे ए और बी की। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी और सी। ए बी हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो AB x2 कितना है, x1 y1 x2 y2 माइनस a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना माइनस a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू ए का होल स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू एट ए स्क्वायर, ए अंडर रूट एट आ जाएगा इसका। ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए अंडर रूट एट। इसी प्रकार बी सी निकाल लेंगे, ए बी बी सी और सी ए, BC भी निकाल लेंगे। BC क्या हो जाएगा, BC बराबर BC आ जाएगी A अंडर रूट थ्री BC माइनस A अंडर रूट थ्री माइनस A अंडर रूट थ्री माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए रूट थ्री प्लस ए का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए अंडर रूट थ्री माइनस टू ए स्क्वायर अंडर रूट थ्री प्लस ए थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर अंडर रूट थ्री। ये कैंसिल हो जाएगा, टू ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए स्क्वायर एट ए स्क्वायर अंडर रूट एट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अंडर रूट एट। ये बी सी भुजा आ गई। इसी प्रकार सी ए निकाल लेंगे, सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू कितना है इसमें, सी ए प्लस ए अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर, ए प्लस ए अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस ए अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा,
a square plus 3a square plus 2a square under root 3 plus a square plus 3a square minus 2a square under root 3. कैंसिल हो जाएंगे माइनस 2a अंडर रूट 3 से इज इक्वल टू 6a स्क्वायर और 8a स्क्वायर अंडर रूट a अंडर रूट 8 आ जाएगा. तीनों दूरियां आ गई हैं AB, BC और CA. Thank you. Okay. नहीं.